दाल और अंडा तैयार है। कहाँ गई लाइवा? ये रही लाइवा, छुप गई थी मम्मा से, छुपन छुपाई खेल रही। आ जाओ, आ गिरने लगी थी ये, छोड़ो। दूर दूर कोई भी नजर नहीं आ रहा सिवाय हमारे, है ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ नाश्ता, और साथ कल की हमारी लाइट ख़राब थी जो कि ना कल की लाइट ख़राब थी जो कि बहुत बुरा सिस्टम हुआ हुआ था घर का। तो बस अभी दुपट्टा जो भी मिला मैंने पहन लिया। मैंने बोला चलो जी रूटीन शुरू करते हैं आपके साथ। और साथ ये था कि हवा बहुत अच्छी चल रही है तो मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने बोला चले हम अपनी यहाँ से ही रूटीन शुरू करते हैं जहाँ पे खड़े होके। और देखो मैं कितनी अपने दरवाजे में खड़े होकर रूटीन शुरू कर रही हूँ। बाकी मैं अभी किचन में जा रही थी नाश्ता बनाने। यहाँ पे मैं आगे किचन में, अच्छा यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। नाश्ते में आज ब्रेड डबल रोटी मंगवाई है और अंडे, अंडा मैंने बना लिया साथ। कल मेरे बर्तन इतने सारे पड़े हुए थे ना कि आधे बर्तन मैंने धो लिए बाहर से, बाहर बैठ के धोए हैं, और अभी आधे मेरे रहते हैं तो बस ये धोऊंगी। पहले बनाते हैं नाश्ता अपना। मामा रात को लाइट कब आई थी? रात को पता नहीं कब लाइट आई थी, आप सब सो गए थे उसके बाद जाके लाइट आई है। जी लाइट बहुत देर से आई थी। लेट तो नहीं, मेरे ख्याल में सुबह ही आई है कहीं। सुबह जाके पापा ने पता नहीं क्या किया है पीछे से, पता नहीं क्या लाइट, लाइट अभी भी खराब है, अभी भी पता नहीं क्या होती है लाइट, वैसे ही पता नहीं क्या हो रहा है लाइट को। तो रात के पापा ने पता नहीं क्या किया, फिर लाइट आई, फिर जाके आप सोए थे। आप तो अंधेरे में ही सो गए थे ना। हाँ। नींद आ रही थी मुझे बहुत। आपको तो गर्मी भी हो नींद आ जाती है, आप तो सो जाते हो। जी जी मम्मा रात को हमने खाना क्या खाया था? रात को हमने दाल रोटी लाए थे घर से पापा। हाँ जी लाए थे पापा, भूल गए। आ गई मम्मा की जान, आपका नाश्ता आ गया, मम्मा की जान आ गई। आ जाओ लाइबा का नाश्ता आ गया। लाइबा बहुत रो रही है, मम्मा नाश्ता 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 भी आज हमारा लेट हो गया। अब नाश्ता करो, मामा भाइयों को दे रही है, ठीक है जी। मामा चाय ला रही है आपके लिए, आप ठंडी कर दूँ चाय? लाओ ठंडी कर दूँ, एक मिनट लाइबा। फिर आप कह रही है मामा गर्म है चाय, फिर ठंडी कर रही हूँ। आप कह रही है मुझे शीशे वाला कप दो, पता है शीशे वाले कप में। मामा आपने सबको नाश्ता दे दिया, मुझे दे दे। आपको मैंने बोला सबसे एंड पे देती हूं नाश्ता जी, सबसे पहले लाइबा को दिया ना नाश्ता जी। क्या चाय तो मेरी बन गई है। यहाँ पे मैंने अपना और हस्बैंड का नाश्ता बनाया है, और चाय मैंने बना ली थी, दोबारा बनाई है चाय, चाय कम थी, और साथ नाश्ता वगैरह फिर इन्होंने अपना और मेरा बनाया। बच्चों को मैंने नाश्ता दे दिया था बना के, और ये बोल रही हैं चले आपका और मैं अपना नाश्ता खुद बनाता हूँ। तो फिर हम दोनों ने, मैंने जब तक चाय बनाई है इन्होंने अपना और मेरा नाश्ता बना लिया। बर्तन मेरे इतने सारे पड़े हैं, अगर मैंने इतने सारे बर्तन बाहर बैठ के धोए हैं, बहुत सारे बर्तन मेरे हो रहे थे क्योंकि कल के भी बर्तन मेरे हो रहे थे। रात को तो बर्तन नहीं धुले थे, रात को लाइट की वजह से नहीं धोए, खाना हम बाहर से लाए थे। दोपहर को मैंने चावल बना लिए थे, लेकिन शुक्र है लाइट आ गई थी, कल सारा दिन लाइट नहीं थी, आज सुबह जाकर 4 बजे लाइट आई है। बस अभी नाश्ता बन गया, नाश्ता हम करते हैं, नाश्ता बना लिए, बस जल्दी से करते हैं नाश्ता। वो देखो पत्ते हिल रहे हैं बाहर, दरवाज़ा बंद किया मैंने इसलिए हवा अंदर नहीं आ रही। लाइबा देखे पानी गिरा रही है, अभी नाश्ता हो रहा है, और मम्मा पापा नाश्ता कर रहे हैं, ये तंग कर रही है मामा पापा को। साइड में अच्छा बाहर आओ मेरा बेटा, बाहर आओ करेगी ना, आ जाओ भाग के भाग। तो जी यहाँ पे हमारा नाश्ता भी हो गया, और मोबाइल मैंने लाइबा को दिया हुआ था, लाइबा लगी थी अपने कार्टून वगैरह देखने, तो बस मैंने मोबाइल लिया और उस कमरे में भाग गई है। तो बस अभी मैं फिर आके अपना काम करती हूँ, और साथ मुझे ना असलान के स्कूल जाना था, क्योंकि आपको पता है इनकी क्लासेज जो आगे स्टार्ट हो रही है ना, तो इनकी इनके लिए ना फिर बुक्स वगैरह लेनी है। तो वो अभी इनकी टीचरों ने बुलाया है कि हमारे पास बच्चों की बुकें पड़ी हुई हैं, तो मतलब जो बच्चे जो सेकंड हैंड बुकें होती हैं ना वो पड़ी हुई हैं, तो अगर आपने लेनी है तो आप आके देख लें, अगर आपको सही लगती है तो। अभी मैं जाऊंगी, अगर मुझे बुकें सही मिली तो अभी पहले मैं स्कूल होके आती हूँ, फिर आके मैं अपना काम करती हूँ। लाइबा को ये देखे लाइबा बाहर आके ना अपने कामों में लग गई है। तो बस मैं अभी पहले स्कूल होके आती हूँ, और मैं पहले सारे बर्तन मैंने ना ये देखे सारे बर्तन मैंने यहाँ से उठा के ना पहले ये बाहर बर्तन रख दिए हैं, तो बस मैं जल्दी से कोरस लेके आती हूँ, फिर आके मैं बर्तन धोती हूँ। जी मेरा बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है? पापा की ड्यूटी की डायरी आप क्यों पकड़ी हुई है आपने, दिखाओ। स्कूल जा रही ना कि आप बहन को संभाल लो, फिर मामा बाइक का कोरस ले आए। आप लाइबा को अपने पास बैठा लो, मामा आ रही है बस, मामा ना थोड़ी देर में आ रही है, आ जाओ मेरा बेटा, और टीवी की आवाज़ मेरा बेटा हल्की कर लो, अब इसको नीचे नहीं छोड़ना मेरा बेटा, इनका ध्यान रखना, दो रोए ना, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं 10 मिनट, हमें बस भाई का कोरस देख के आ रही है, अल्लाह करे भाई का कोरस मिल जाए। चलो
तार लेने गए, पता नहीं कहाँ से गए हैं पापा तार लेने। आप बैठो भाई एक पास, मामा आ रही हैं, एक मिनट में आ रही हैं। चले जी यहाँ पे ना लाइबा इतना रोने लग गई, बस मैं निकल ले रही थी ना तो कह रही थी मामा आप कहाँ जा रही हैं, तो मैंने असलान को बोला कि आप ऐसे करो आप घर में रह लो, बहन को देख लो और मैं सुफियान को ले जाती हूँ, क्योंकि सुफियान छोटा है ना तो वो ज़रा बहन को नहीं संभाल पाएगा। तो असलान को मैंने बोला आप घर में रह लो, मैं सुफियान को लेके जा रही हूँ, किताबें देखनी है तो किताबें जल्दी से देख के ना फिर मैं बताती हूँ कैसी किताबें मिली। धूप इतनी तेज़ हो रही है और हम पास ही इनके स्कूल है ना, हम पैदल जा रहे हैं, जल्दी से आ रहे हो, गाड़ियों की आवाज़ें भी आ रही हैं, हमने बुक्के भी ले ली हैं और बस अभी हम घर जा रहे हैं और धूप इतनी तेज़ आ रही है तो बस हम घर जा रहे हैं। और लाइबा रो ना रही हो, लाइबा को जाके देखें, लाइबा कहेगी मम्मा पता नहीं कहाँ चली गई है, कोयल की आवाज़ें, कितनी सारी गायें बैठी हुई हैं, गायें देखें, और वो सामने फूल कितने प्यारे लगे हुए हैं। आ गई देखे लाइबा कहाँ गई हुई है, क्या कर रही हो आप उधर, कहाँ गई थी आप? मैं चादर सही कर रही, देखे ये चादर सही करने लग गई, कितना लाओ मामा को ये दुपट्टा दो, इसमें इतनी गर्मी लग रही थी मामा को, मम्मा की जान आपको कितना शौक हो रहा है आप चादर सही करो, आपका बहुत शौक हो रहा है चादर सही करो, लाओ मामा आपको बताती है किताबें कौन कौन सी हैं। मोर देन हंड्रेड इयर्स अगो विल्बर्ट एंड ये वाला थोड़ी ना है वो, तो ये आप ये तो टू की किताबें है ना, ये तो आप दोबारा भी इसकी रीडिंग कर सकते हो आप, ये मैं थ्री वाले हो तो, लेकिन आप टू की बुक्स पढ़ सकते हो, घर में रीडिंग तो कर सकते हो ना आप, सब्जेक्ट का नाम पढ़ो, एंड अ ब्यूटीफुल हाउस, अ ब्यूटीफुल हाउस, और मम्मा को बहुत तंग करती हो लाइबा, मम्मा आपको बंद कर दे कमरे में, फिर कैसे गुलिया बना के खड़ी हो जाती है मम्मा की जान। इधर देखो देखो इधर, आप क्यों नुकसान करती हो मुझे ये बताओ, क्यों बाहर सारी चीज़ें गिरा के आई हो, अब देखो भैया वहाँ से उठा रहे हैं ना, आप क्यों गिरा के आई हो बाहर, सारे बिस्तरे बाहर गिरा के आई है, ये नहीं बैठती, ये बिल्कुल नहीं बैठती। अभी भैया पढ़ रहे हैं ना अपनी किताब, आओ हम भी पढ़े, ये देखो आ मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँ, मेरी बेटी स्कूल जाएगी ना वो भी पढ़ेगी, ठीक है पढ़ने बहुत शौक है आपको पढ़ने का, चलो पढ़ो, अच्छा पढ़ो आ ब्यूटीफुल, आपको ये पढ़नी थोड़ी आएगी, ये बुक्स तो भाई की है, वो वाला पढ़ो, क्या है ये कार्टून है, ये कार्टून है, ये कार्टून थोड़ी है, देखे ऊपर तस्वीरें बनी हुई है उनको कार्टून धो रही है, अच्छा ये वाला पढ़ो, ओ ये क्या है मंकी, मंकी है ये पढ़ रहे ना, ब्यूटीफुल हाउस, आ ब्यूटीफुल हाउस, लाइबा का ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है, वंस ओपन आ टाइम, कौन आया इधर आओ अंदर, लाइबा ओल्ड मैन एंड एंड ओल्ड वुमेन, और क्या है लिविड इन आ स्मॉल हाउस, अच्छा नहीं पढ़ना फिर जाओ, फिर मामा जा रही है, मैं जा मामा की चप्पल, अच्छा ये मैं किताबें भी ले आई थी स्कूल से और एक किताब नहीं मिली, एक किताब कब मैं इनकी टीचर बोल रही थी आपको एक किताब बाहर से लेनी है, दादा बन खोज चलो जाओ अंदर मम्मा ने, चले जी मैं किचन में आ गई हूँ, अब मैं घूमने लगी हूँ आटा, बर्तन मेरे यहाँ पे धुल गए थे, बर्तन मैंने अभी लगाने हैं, आधे मैंने लगा दिए आधे पड़े हुए हैं, तो बस बर्तन अभी मैंने धो लिए थे बाहर बैठ के, या आटा मैं जल्दी से गूंथ दूँ, बच्चे तो अंदर गए हैं, बच्चों को तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि आपको पता है बच्चों को पहले समझाना पड़ता है कि मोबाइल को ये करो वो करो, वरना वो फिर वो खुद ना मोबाइल कभी गिरा देंगे कभी टेढ़ा कर देंगे मेढ़ा कर देंगे, तो इससे अच्छा बंदा खुद बता दे, तो अभी मैं ना जल्दी से गूंथती हूँ आटा और बर्तन मैं बस बाद में लगाती हूँ, पहले गूंथ लेती हूँ आटा। मामा जी ये देखिए लाइबा बाहर आ गई, पापा अच्छा ये आटा है आटा, ला मैं नीचे रखूं, नो लाइबा बोलती है नो, हर चीज से बोलती है, भागी अंदर देख, आटा गून लिया बर्तन मैंने लगा दिए तो भी रखे नीचे, थोड़े बर्तन नीचे आ गए बाकी आटा गून लिया, बस अभी देखते हैं, ये सही है ना ऐसे फिर ये है कि सही रहेगा, बोर्ड बनवाया नया यहाँ पे जी हो रहे सुराख, यहाँ पे लगा रहे हैं बोर्ड, ये वाला जल गया था हमारा कल बोर्ड, अभी ये छोटा सा नया बना के लाए हैं तो ये अभी लगा रहे हैं बोर्ड, बिजली घर में खराब हुई थी और ये सही कर रहे हैं, सब काम करवा रहे हैं, देख हाथ में नहीं लगा लेना छोड़ दो, पापा कह रहे हैं ना आप छोड़ दो, पर्दा पीछे करो हवा आए बाहर से, पर्दा पीछे करो वो वाला बाहर से अच्छी हवा आ रही है, दरवाजा बंद, चलो इसको करते हैं बंद, हम कहाँ गई लाइबा, ये रही लाइबा, छुप गई थी मम्मा से, छुपन छुपाई खेल रही है, आ जाओ आप, गिरने लगी थी ये छोड़ो। अच्छा जी यहाँ पे मैंने किचन में आई और ये देखे मैंने खाने में दाल चढ़ा दी है, जल्दी से मैंने बोला दाल जल्दी बन जाएगी, साथ मैंने इसमें चार अंडे उबालने हैं वो डालने हैं और साथ में तड़के लिए चीज़ बनाऊंगी, तड़का लगाऊंगी, बस दाल मेरी हो जाए फिर तड़का लगाती हूँ,
मुँह मुँह की दाल ना ज़रा जल्दी बन जाती है, तो मैंने बोला चले यही हम बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगी। चार अंडे इसके डाल रही हूँ, उनके बच्चे कह रहे थे मामा इसमें अंडे डाल ले, तो बस अंडे का थोड़ा जायका हो जाएगा, बच्चे भी खा लेंगे। तो यहाँ पे आटा भी इधर साइड पे करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने ये वाला बोटू लगा दिया, वो जो जल गया था अब ये वाला लगा दिया। मैंने दाल में मैंने अंडे डाल दिए, तड़का मैंने लगा दिया था। अच्छा, मैंने जीरे का, लहसुन का और लाल मिर्च का तड़का लगाया, और उसके बाद मैंने अंडे डाल दिए। दाल मेरी हो गई है, चूल्हा करते हैं बंद। चलो जी, यहाँ पे मैं किचन से बाहर आ गई हूँ, किचन में थोड़ा अंधेरा हो रहा था, तो मैंने बोला चले हम अपनी रूटीन भी आपके साथ एंड करें, यानी ख़त्म करें, और आप बताइएगा कि आपको मेरी रूटीन सुबह से लेकर अब तक कैसी लगी। बस ये थी मेरी रूटीन अब तक की, तो आप बताइएगा। अभी मेरा काम सारा हो गया, बस अभी बनाऊँगी रोटी, तो इसी तरह सारा दिन इसी तरह रूटीन चलती रहती है, बस ख़त्म नहीं होती। तो चले फिर अभी इजाज़त दे, नेक्स्ट रूटीन फिर आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना। बच्चे ये देखे अंदर बैठे हुए हैं आराम से, बाकी हस्बैंड सो गए हैं उधर, बोर्ड वगैरह सही किया उन्होंने, नया बोर्ड लगाया है बिजली वगैरह। तो चले फिर अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में लाजमी याद रखा करें। तो बस अल्लाह हाफिज़।